और बात अंकिता हत्याकांड की कर लेते हैं, जिसमें अंकिता हत्याकांड में जारी एसआईटी जांच के बीच आरोपियों को सच्चाई का सामना करने से डर लगने लगा है। तीनों आरोपियों ने कोटद्वार कोर्ट में नार्को टेस्ट से मना कर दिया है। अंकिता के हत्यारों को सच्चाई से लगने लगा डर, नार्को टेस्ट कराने से पलटे आरोपी। आरोपी पक्ष ने नार्को टेस्ट पर उठाए सवाल। अंकिता हत्याकांड केस में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल आरोपियों को अब सच्चाई सामने आने से डर लगने लगा है, इसी वजह से अंकिता के हत्यारे नार्को टेस्ट कराने से पलट गए। मामले में तीनों आरोपियों की ओर से एक आपत्ति कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें नार्को टेस्ट कराने का स्पष्ट कारण पूछा गया है। हमने ये भी प्रार्थना पत्र दिया है कि ये जो दोनों तीन के तीन जो अभियुक्त थे, ये जेल में बंद हैं, तो जेल में इनके ऊपर काफी दबाव पड़ा है। जेल से यदि किसी प्रकार का सहमति या असहमति का कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है, तो हम चाहते हैं कि पहले तो वो प्रार्थना पत्र जो है विड्रॉ करने का हमने आवेदन किया है, और अपनी तरफ से ये प्रार्थना पत्र दिया है कि एसआईटी जो है पहले ये स्पष्ट करे कि उन्होंने हमसे करना क्या है। उन्होंने हमारा नार्को टेस्ट करवाना है, या उन्होंने हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, या उन्होंने हमारा दोनों टेस्ट करवाना है। नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट करवाने से मना कर दिया। उनके वकील ने सहमति असहमति के पत्रों को वापस लेने के लिए अर्जी लगाई। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी। इसमें पहले दो ने सहमति दे रखी थी, सौरभ ने और पुलकित ने, और अंकित ने 10 दिन का टाइम मांगा था। अंकित की अपनी जेल से जो रिपोर्ट आई है उसमें उसने असहमति व्यक्त करी थी आज, लेकिन उनके द्वारा तीनों के द्वारा अधिवक्ता को भी नियुक्त कर दिया गया। अपने अधिवक्ता नियुक्त किया और अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके द्वारा जो भी पहले में सहमति या असहमति दे दी उनको विड्रॉ करते हैं, और अब अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है उस पर सुनवाई होगी। अब नार्को टेस्ट पे जो भी सुनवाई होगी 3 तारीख को न्यायालय ने डेट लगाई है। आपको बता दें कि अंकिता के परिजनों ने उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि पुलिस आरोपियों से ये राज नहीं उगलवा सकी थी, ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग भी उठने लगी, जिसके बाद एसआईटी ने 9 दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। टीम न्यूज स्टेट। देहरादून से ही बड़ी खबर, जहां अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। आरोपियों को जल्द मिलेगी सख्त से सख्त सजा। पुलिस ने फाइल की है हत्या की चार्जशीट। सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिलेगी। अंकिता हत्याकांड से पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश दहल गया था, और उसके बाद से इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही, तो फिर आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को जल्द से जल्द ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पुलिस ने हत्या की चार्जशीट दाखिल की। उत्तराखंड हाईकोर्ट से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच याचिका खारिज किए जाने और एसआईटी जांच पर भरोसा जताए जाने के फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि अंकिता की हत्या की चार्जशीट पुलिस के द्वारा फाइल कर दी गई है। सरकार का प्रयास है कि अंकिता हत्याकांड मामले के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले। ये माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए बहुत बड़ी जो सामने चुनौती है कि जो भी इस केस में अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। उनके जो ये कृत्य हैं वो कृत्य निकट भविष्य में किसी को भी इस दिशा में पुनरावृत्ति करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े। और देहरादून से ही बड़ी खबर है, जहां अंकिता हत्याकांड पर कुसुम कंडवाल का बड़ा बयान सामने आया। पूरे मामले में एसआईटी अच्छा काम कर रही है। अंकिता के परिजनों को जल्द न्याय मिलेगा। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल, उनका यह बड़ा बयान सामने आया है। एसआईटी की जांच को लेकर, उसके काम को लेकर तारीफ करते हुए नजर आई। पूरे मामले में एसआईटी अच्छा काम कर रही है, और इसी के चलते अंकिता के परिजनों को जल्द न्याय मिलेगा। तो
अंकिता हत्याकांड पर कुसुम कंडवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। पूरे मामले में एसआईटी अच्छा काम कर रही है और जल्द ही अंकिता के परिजनों को न्याय मिलेगा। कुसुम कंडवाल उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष है, जिनका बयान सामने आया। महिला आयोग उत्तराखंड तो लगातार इसके संपर्क में है, ये इस केस को देख रहा है, मॉनिटरिंग भी कर रहा है, अपनी भी टीम बना रखी है। लेकिन एसआईटी की टीम, मेरी खुद पी रेणुका जी से लगातार बात होती है, वो अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता कोर्ट ने भी तभी उसमें सीबीआई जांच के लिए मना किया होगा क्योंकि एसआईटी ठीक जांच कर रही है। और वहीं देहरादून से ही खबर, जहां बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। लगातार चौथे दिन